हेलो गाइस, तो हम वापस आ गए पोकेमोन एक्स में। तो यहाँ तक पहुँच गए थे, आज जिम करेंगे। सिटी तो पूरी है, एक्सप्लोर कर ली है हमने। हील करवा लिया था क्या हमने? याद नहीं है यार, हील करवाया भी या नहीं था पता ही नहीं। तो देखते हैं, एक बार याद करने दो, थोड़ी देर खड़े रहने दो। करवा दिया या नहीं करवाया? करवा ही दिया मेरे हिसाब से, सारी नसें बैठ करने के बाद। तो चलते हैं सीधे। अच्छा है जिम। अरे भाई कितना लंबा है, बैटल खूब होने वाली है इसका मतलब। ये क्या कह रहा है? ये तो बकवास बातें कर रहा है कि बहुत ही ताकतवर है वो, बहुत ताकतवर है, उससे लड़ना ईजी नहीं है, तुम हार जाओगे। ये डीमोटिवेशन करता है और कुछ काम ही नहीं है इसका। चलो ऊपर आ गए सी, उससे चढ़ के। वो नीचे जो खिड़की थी उसका कुछ काम है क्या? उससे भी जा सकते थे क्या? अब यह बैटल करनी पड़ेगी। चलो यार, हरा दिया मैंने इसे, इजी नहीं था यार। बैंड तो बजा ही दी इसने। तो आगे चलती हैं। अब इसमें फिर उस तरफ चलना है, अब खोद रहा है, अब सीधे चलना है, अब वापस खोद रहा है, अब इस तरफ चलना है, इसके ऊपर अब ऊपर जाए किधर जाए? ऊपर नहीं चलते हैं, चलो पहले इस तरफ चल लेते हैं। ये तो नीचे जा रहा है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, नीचे जाके क्या करेंगे? इससे बैटल करनी पड़ेगी, पीछे से जगह नहीं है। चलो हरा देता हूँ मैं से। तीन पोकेमोन है भाई, मुश्किल कर दी इसने हमारे लिए, मुश्किल था ये थोड़ा। इस तरफ कुछ ही नहीं है, फिर जाना कहाँ है? मैं ऊपर जाना है, ऊपर ही जाना होगा शायद। ऊपर भी कुछ ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? फिर वो शायद नीचे जाना है, चल क्या रहा है ये? नीचे जाके क्या करेंगे? हमें तो ऊपर तक पहुंच रहे हैं, ऊपर है जिम लीडर। चलो चढ़ते ही है, इस तरफ और जगह है, इस तरफ एक ट्रेनर है, इसे भी हरा के आता हूँ मैं आपके लिए। यार कितनी मतलब, आपको लगता है कि बहुत कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग में खूब घंटे वेस्ट करता हूँ मैं इसमें, क्योंकि बैटल बहुत ही मुश्किल होती है। तो हरा दिया ऐसे भी। अब यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है क्या? ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पहले हील हो जाए, क्योंकि पोकेमोन अच्छी हालत में नहीं दिख रहे हैं। पोकेमोन एक ही चार्ली थोड़ी बेकार हालत में है, तो यूज करते हैं चार्ली। आइटम्स देते हैं थोड़े, ये लक्की एक्स से एक्सपी ज़्यादा मिलेगी ना, तो ये उसे दे देते हैं, क्योंकि वो इवॉल्व होने वाला है। और लेफ्ट ओवर भी काम की चीज़ है, ये भी दे ही देते हैं। लेफ्ट ओवर किसको दे? ब्लैक बॉल, थंडर, माइंड, हार्ट हैं, और क्या चीज चाहिए? चलो ये ऐसे दे देते हैं। तो क्या क्या दे हम, किसको किसको दे? अवेकनिंग, सोडा पॉप, और क्या है भाई? ईथर। भाई खूब सारा देना होगा। ओजन यूज़ करते हैं पहले तो चार्ली पे, और फिर बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे आइटम। और ऊपर भाई कितना बड़ा है इसका जिम। अब इस तरफ, अब दो दो रास्ते हैं। मुझे यहाँ ऊपर रूफ टॉप दिख रही है,
तो शायद से इस तरफ हो सकता है, तो इस तरफ देखते हैं। नहीं है, उस तरफ जाना पड़ेगा। अरे यार, अब उस तरफ चलो। स्केट्स होता तो कितनी आसानी से हो जाता, लेकिन स्केट्स है ही नहीं। गेम वाले को मुश्किल बनाना ना गेम। अरे यार, इससे भी लड़ना पड़ेगा। इससे तो इजी थी, हरा दिया। हमारे चार्ली ने हरा दिया इसको पूरी अच्छी तरह से। ओ माय गॉड, चार्ली इज इवॉल्व। माय गॉड 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 गॉड, चार्ली बन जाएगा चार्ली मेंडर। चार्ली मेंडर के बोल रहा हूँ, चार मेंडर। भाई इतनी खुशी हो रही है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा। भाई आ गया हमारा चारिज़ार्ड, मस्त मस्त चारिज़ार्ड। हमारे पास मेगा स्टोन भी तो है इसका। अब इसको चारिज़ाइड एक्स देंगे। हाँ, क्योंकि हम एक्स खेल रहे हैं, वाई नहीं खेल रहे। और ये कौन सा अटैक सीख रहा है? विंग अटैक। विंग अटैक के लिए हम क्या हटाएं यार? शेडो क्लो, कट, फ्लेम बस्ट, कट हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास एच एम मूव कभी हट नहीं सकते हैं यार। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये थोड़ी ना कोई बात होती है। मतलब एक बार सिखाया तो फुल टाइम वही रहेंगे, ये तो दिमाग खराब करेंगे यार ऐसे। तो विंग अटैक सिखा दिया हमारे वो हटा के। तो चलो आगे चलते हैं। कौन सा अटैक हटाया था मैंने? मैं तो भूल भी गया। शायद फ्लाइंग टाइप अटैक ही हराया था कोई, हटाया था कोई। तो अब दे देते हैं चारिज़ाइड एक्स। कहाँ है वो चारिज़ाइड एक्स? इस वाले में होता है, इस वाले, ये तो वो है, इस वाले में इस वाले में होता है। ये रही, ये रही। इसमें क्यों गया? तो ये वाला, हाँ चलो दो यूज़। चलो हाँ कर दो भाई, स्वैप कर दो। अब उसको किसको दे सकते हैं हम? लक्की एग को। टायरेंट इवॉल्व के करीब है तो उसको दे देते हैं, टायरेंट को। चलो लक्की एग स्वैप कर लिया। रॉकी हेलमेट पहना हुआ था, वो भी अच्छी चीज़ है। इवॉल्व होने के बाद वापस वही दे देंगे तुझे। चलो हमारी टीम एकदम मेंटेन हो गई है अब। यार वो गिबल, हाँ मैंने किसी लड़की से सुना था कि यहाँ गिबल मिलता है आगे चल के। मतलब ऐसी गेम में कोई लड़की बोल रही थी। तो हीलअप है सब कुछ, तो बैटल करें कैसे? नहीं करें या करें? कर ही लेते हैं। तो अरे भाई हमारे मुंह पे नहीं मार देना भाई, थोड़ी थोड़ी अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से करो। मेरा नाम रामो है, मैं एक विपर स्नैपर को एक है, क्या बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं आपसे ना रेमो। चलो जिम्बेस तो अच्छा दिख रहा है। सबसे पहला है हमारा ये क्या है, जंप लव। अब सीधा मेगा इवॉल्व फ्लेम बर्स्ट। अब ये पहली बार हमारा सेकंड मेगा इवॉल्व पोकेमोन आने वाला है। और भाई अब आने वाला है चारिज़ार्ड एक्स। वाह, इसको कहा जाता है ना कि ये वाला पोकेमोन चारिज़ार्ड एक्स इसके ड्रैगन पावर के लिए ज़्यादा माना जाता है। भाई वन हिट के ओ। और जो जो दूसरा होता है ना चारिज़ार्ड वाई, वाई अपनी उसके लिए फायर पावर के लिए माना जाता है। तो हमारे पास ड्रैगन पावर वाला है। ये क्या गोगोट आया है? गोगोट को मारेंगे हम फ्लेम बस्ट। इस पे शायद थोड़ा कम इफेक्ट देगा, क्योंकि ये थोड़ा दूसरा टाइपिंग भी है, डबल टाइपिंग है, ड्यूल। हाँ बोला ही था, एक बारी में नहीं जाएगा। अरे भाई 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 भाई, वही इफेक्ट तो तगड़ा दिया है इस आदमी ने रे हमारे इस पे। हाइपर पोशन। ओ माय गॉड 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 गॉड, गोट ने हमारी लगा दी गॉड। भाई हम हारने के तगार पे हैं, जल्दी से हाइपर पोशन देनी पड़ेगी।
यार उसने हाइपर पोशन दे दिया, नहीं तो वन हिट के वो पहले वाला तो हो ही चुका, इसको 2 हिट के वो कर देते, ये भी हो ही जाता। लेकिन ये दो डबल ड्यूल टाइपिंग है, शायद नॉर्मल ग्रास है, इस कारण ये बच गया, नहीं तो नहीं बचता भाई। अब की बार कम डैमेज दिया, अरे मैग्नीट्यूड कर रहा है क्या ये? हर बार वो अलग अलग डैमेज का होता है, कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी हो जाए। टेक डाउन इफेक्टिव नहीं है इतना हमारे पे। फ्लेम बर्स्ट, 1 हिट KO, 1 हिट KO, ओ या 1 हिट KO, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, अरे मज़ा आ गया। इतना मुश्किल नहीं लग रहा है ना ये जो, मतलब अकेला चार साड़ी हरा रहा है सबको। और फिर ग्रास टाइप के सामने हमारा ऐसा कोई पोकेमोन नहीं है जो टिक पाए, बस लुकारियों के, लुकारियों टिक सकता है क्योंकि वो मेगा इवॉल्व कर सकता है। अब ये विपिन बेल शायद फुल फुल टू फुल फ्लैज एक ग्रास टाइप है ये हमारा, हाँ फुल फ्लैज है, इससे पता चल गया भाई 1 हिट KO हो गया है। चलो मैं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर नहीं होंगे। हाँ भाई हम तो बहुत ताकतवर हैं। इसने हमारे ऐश केचम को भी बहुत बड़ा लेसन दिया था ना कि वो घास में से एक घास ढूंढो वो सही होती है। चलो भाई अपनी बर्ड बर्ड बनकर, और हमें अपना सुनहरा बैज मिल चुका है, इतना प्यारा लग रहा है यार, सुनहरा सा चमकीला बैज मिल चुका है। 11 मिनट लग गए इसको। अब फ्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, 60 लेवल के पोकेमॉन यूज़ कर सकते हैं, और ग्रास नॉट भी मिल चुका है हमें। ग्रास नॉट एक बकवास है, और ग्रास टाइप पोकेमॉन हमारी टीम में है ही नहीं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार। यार ग्रास टाइप पोकेमॉन भी ज़रूरी है टीम में, इलेक्ट्रिक टाइप भी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रहेगा तो फिर हमारा वो। लेकिन यार शायद चार्जर्ड ये थंडर पंच और ऐसे वाले अटैक सीख सकता है, तो उसके हिसाब से तो सही रहेगा यार। या मुझे जितना याद है सीख सकता है यार चार्जर्ड थंडर पंच, तो वो तो देखा जाएगा। फ्लाई सिखा देते हैं इसे। हाँ चलो विंग अटैक हटा देते हैं, क्योंकि विंग अटैक की इतना कुछ नहीं है, वो इतना ताकतवर नहीं है जितना ये फ्लाई है। फ्लाई को हम बैटल में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा मूव है, मतलब अच्छी होती है उसका, सिर्फ एक्यूरेसी 5% ही तो कमी है, PP भी बहुत है, 15 तो बहुत ही ज़्यादा होती है। चलो विंग अटैक फॉरगेट, 6000 है विंग की, 60 है एक्यूरेसी, कह सकते हो अच्छी है, लेकिन क्या करें, एक चीज़ को लेना तो एक चीज़ को खोना भी पड़ता है। तो विंग अटैक ही हटाएंगे, और कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, और कोई भी देख ही लेते हैं अटैक एक्यूरेंसी और ये सब। और ये हमारा ये फ्रेम बस तो हटा ही नहीं सकते, ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये मतलब फायर टाइप होगा, होने का कुछ काबिल नहीं रहेगा अगर फायर टाइप ही नहीं होगा। हमारी टीम अब कैसी है? वाटर, डार्क, इलेक्ट्रिक और फायर। ओ भाई इस स्लाइड से यहाँ पहुँचे, जब भी सोच रहा था मैं कि इस खिड़की का कुछ तो काम है, तो यहाँ आ गए। तो क्या है? वाटर, डार्क, इलेक्ट्रिक, चार और चारिज़ार्ड क्या है हमारा? फायर, फ्लाइंग, और ये टायरेंट है रॉक ड्रैगन, और ये हमारा क्या बोल, गोलर्क है, गोलर्क है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड घोस्ट और स्टील फाइटिंग तो हमारा है ही। तो भाई एकदम अच्छी टाइप, सब मतलब ज़्यादातर सभी है हमारे पास टाइपिंग के, 1 2 3 4 5 6 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 है टाइपिंग हमारे पास। वो बस पिकाचू ही है सिंगल टाइपिंग वाला, अगर पिकाचू को हटा के कोई और कर ले तो फिर, अब भाई आधे बैच कंप्लीट होगा, इससे पता चल रहा है कि हमारा आधा गेम ख़त्म हो चुका है ये, क्योंकि आधे बैच हो चुके हैं। होलो क्लिप मिला है हमें, अब कौन आ गया भाई? होलो क्लिप तो खूब मिलते हैं, वही होलो क्लिप में भाई हमारी सरीना तो ऐसी लग रही थी, उसी समय हम उसे उठा ले जाए। लाइसेंडर, प्रोफेसर ने मुझे बताया कि तुमने वो मेगा इवोल्यूशन की पावर को गेन कर लिया। वो बहुत ही अच्छा था। तो
तो अब तुम इतने पावरफुल हो कि तुम उस मेगा इवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब है ओल्ड फिफ्थ विद दी न्यू फिफ्थ, मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है इसका? ये हर बार ये क्यों बोलता रहता है कि चेंज दी वर्ल्ड चेंज दी वर्ल्ड? ये कोई झोलमाल तो नहीं है ये आदमी? क्योंकि दिखने में तो लग ही रहा है ये झोलमाल, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज दी वर्ल्ड यही बोलता रहता है हर समय। हर लाइन के लास्ट में चेंज दी वर्ल्ड तो आता ही आता है। हील हो गया, अब उस तरफ चलते हैं। तुमने मुझे इतनी देर क्यों वेट करवाया? अच्छा हाँ, हम बस ऐसे ही जोक मार रहे थे ट्रेनर। हम इतनी देर से नहीं खड़े हुए हैं। प्रोफेसर सिकमोर जो ने बताया कि तुमने ये जिम कर लिया। हाँ, तो अब सेंट्रल कार्लोस को कोस्टल कार्लोस सब ये घटिया बातें छोड़ो भाई। ये आ गए थे ना, ये पागल से लगते हैं यार, हर बार आ जाते हैं। ये चीज़ यार इस गेम में बेकार है कि ये पोकेडेक्स अपडेट करवाओ, ये करवाओ। इससे अच्छा तो एक बारी में ही सब दे दो ना, बस लास्ट गेम खत्म होगा उस समय आ जाओ कि अभी तक कितने पोकेमॉन देख लिए तुमने। बेकार का क्यों चिक 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 हो रही है? हाँ चल भाई, अपडेट कर दिया, अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो लात मार के निकालेंगे छोरे को। छोरी को नहीं, छोरी को मारना सही नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। यहाँ डेजर्ट था ना, लूमियोस बैड लैंड, मतलब हम लूमियोस सिटी के एरिया में एंटर हो चुके हैं। ये कौन सा पोकेमोन आया? कौन सा आया? अरे दिख रहा, जल्दी एक डक ट्रियो। बकवास, क्या ही करना डक ट्रियो का। छोड़ो, रन। अब और कौन सा यहाँ? ऐसे अपने आप पोकेमोन हमारी तरफ चल के आएंगे ना, ये देखो ऐसे आया अभी, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। डॉक्ट्रियो वापस, डॉक्ट्रियो आ गया, पीछे पड़ गया हमारे। मुझे मैं चारिज़ार्ड का कलर और इस रेगिस्तान का कलर सेम सही लग रहा है ना, बस थोड़ा वो डार्क है हमारे चारिज़ार्ड का कलर सा। ओ यहाँ तो स्केटिंग का है, तो पहले छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो, अरे वो पोकेमोन हमारे पास आए जा रहे हैं। इस तरफ चलो, आ गए। अरे यार जा नहीं सकते। अरे दो 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 दो, पीछे भी एक खड़ा है यार, पीछे पड़ गए तो। वे है, ओ माय गॉड, एक गिबल, एक गिबल। भाई 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 भाई, इसे तो कैच करना पड़ेगा रे। बहुत अच्छा पोकेमोन है, ग्राउंड ड्रैगन टाइप है। ग्राउंड या हाँ ग्राउंड ड्रैगन टाइप है। हमारे पास ग्राउंड टाइप पोकेमोन है वैसे। क्या नाम है इसका? गोलर गोल गोलेट गोलेट है ना, गोलेट। तो एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है यार, घोस्ट भी है यार, और ये ग्राउंड घोस्ट है ना, ग्राउंड टाइप तो है ही हमारे पास, और ड्रैगन भी है हमारे पास यार, ये ट्राइंट्रम। तो भाई इसको मैं कैच करके रखूँगा यार, लेकिन टीम में नहीं रख सकता यार, क्या करूँ, मजबूरी है, इसको टीम में नहीं रख सकते हम। इसको रखना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से हमारे पास ड्रैगन घो वो ड्रैगन ग्राउंड दोनों टाइपिंग है, इसलिए बेकार, हम करना नहीं चाहता हूँ मैं, बस रख लेंगे। कट से जाएगा क्या? अरे कट से ही चला गए हैं। 4000 पूछ से मारता है कट, मुझे पता ही नहीं था। चलो, कौन सा अटैक सीख रहा है? फेंट नहीं, नहीं सिखा रहा। कीप ऑल मूव, यस, नहीं लैंड करना। वही, जब जब हम मूव करते हैं, जब जब वो पीछे पड़ते हैं। वो आदमी शायद ट्रेनर है, क्योंकि ऐसी जगह ट्रेनर ही होंगे। कैच तो नहीं कर पाए यार गेबल को। अरे भाई यहाँ कोई रेयर स्पॉनिंग नहीं है यार गेबल।
तो इजीली मिल रहा हूँ 26 लेवल का। ये तो एक लेवल और बढ़ा और इवॉल्व हो गया। मतलब इवॉल्व करना तो बहुत इजी है क्योंकि इसके टाइप पे वो लेवल सही है यार। इसको मैं कर लूँगा यार अगर हमारा कोई पोकेमोन के मतलब इतना ठीक ठाक नहीं रहेगा तो फिर रख सकते हैं। और अगला जिम तो हमारा शायद इलेक्ट्रिक जिम है ना, तो इलेक्ट्रिक जिम के हिसाब से तो अच्छा है। चलो अल्ट्रा बॉल में गज कर लिया तो इससे थोड़ा वो लेवल अप कर लेंगे। लक्की एग दे के तो जल्दी जल्दी लेवल अप हो जाएगा। और इसे गोलर को रखेंगे सामने क्योंकि क्लेमेंट को भी मुश्किल जिम भी बताते हैं, वही मुश्किल ही होता है वो। चलो हाँ लैंड शार्क पोकेमोन ड्रैगन ग्राउंड निकनेम दे सकते हैं। चलो देते हैं निकनेम। क्या रख सकते हैं निकनेम यार, क्या रखें क्या रखें क्या रखें क्या रखें क्या रखें क्या रखें। 1000 years later. तो कुछ सालों बाद रख ही दिया इसका नाम राक्षस क्योंकि थोड़ा दिखता है भाई, इसके बहुत ही खुरचे से हैं दांत। इस तरफ क्या है ये, वो यहाँ कोई चीज है क्या ये? अच्छा यहाँ पावर प्लांट था ना न्यूमियस, वो बता रहा था भाई। खूबसूरत है पावर प्लांट तो, वो देखो कैसे गैस निकल रही है, क्या क्या निकल रहा है। अच्छा है अच्छा है। आगे चलते हैं। इस पोकेबॉल को कैसे ले सकते हैं रे यार, समझे नहीं आ रहा। छोड़ो भाई इसको लेना शायद असंभव है क्योंकि यहाँ तो रोड़े रखे हुए हैं तो जा ही नहीं सकते हैं। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसके अंदर कुछ है? नहीं नहीं हो सकता अनलॉक। तो यहाँ क्या है, कुछ ही नहीं है यार। शायद फोटोशॉप फोटो अरे फोटो का सीन का है क्या। चलो इस तरफ कुछ नहीं है। चलो इस तरफ अब उसको छोड़ो। यहाँ भी वही बंद है। पैलेट की चाहिए होगी इसकी, तो की पता ही नहीं कहाँ मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। इस पे कूदे क्या? ये कूदे। चलो यहाँ ये वाला तो पहुँचा ही रहे कहीं। नहीं है इसमें कुछ। अरे भाई ये पोकेमॉन पीछे पड़ गया, मुझे घेर लिया पीछे से। और गाइस बहुत ही ओ माय गॉड ट्रैपिंच, अनदर ड्रैगन टाइप। और भाई बहुत ही तगड़ा है ये यार, ये मतलब बहुत ही उच्च किस्म का पोकेमोन है फ्लाइगोन, उसको इवॉल्व होता है भाई। अच्छा है बहुत पोकेमोन, शायद पता ही नहीं क्या टाइप है। अरे यार ये तो एक बारी में गया, मैं भूल कैसे सकता हूँ, ये शायद बग टाइप होता है। इसका इवॉल्व फॉर्म शायद से ड्रैगन फ्लाइंग या कुछ भी होता है पता ही नहीं, लेकिन अच्छा होता है, मैं पकड़ूंगा इसे भी। और गाइस यार बहुत लंबा हो चुका है एपिसोड यार, अगले एपिसोड मिलेंगे। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। और इस तरफ जाके, इस तरफ भी नहीं जा सकते। और गाइस यार थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो, मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए बनाते हैं कंटेंट यार, देखा करो। सेव कर लेते हैं। और गाइस यार अगले एपिसोड मिलेंगे और बाय बाय गाइस। और कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो बता।